देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पंजाबी सूट है। 2.5 मीटर हमारी शलवार का कपड़ा है और 2 मीटर हमारी कुर्ती का है। हमारी कुर्ती की जो लेंथ है वो 45 इंच है। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप 2 मीटर कपड़े में भी अपनी कुर्ती की लंबाई बढ़ा सकती हैं। फ्रेंड्स, कुर्ती की बैक साइड की कटिंग कर ली है हमने। 46 इंचज़ की लेंथ रखी है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 32 इंच की लंबाई का कपड़ा बचा है हमारा। अब हम कुर्ती की फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। देखिए, हमने शोल्डर, आर्म होल और फिटिंग का निशान लगा दिया है 32 इंचज़ लेंथ के कपड़े में ही। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने अपने फ्रंट साइड की कटिंग कर ली है 32 इंचज़ लेंथ में। ये हमारी सूट की कटिंग का साइड का कपड़ा है, इसमें से हम कटिंग करेंगे पट्टी की। फ्रेंड्स, अब हम दामन की पट्टी कटिंग करेंगे जिससे हमारी लंबाई इंक्रीज होगी। ये 25 की चौड़ाई में लेंगे और लंबाई इसकी 4 इंचज़ रखेंगे। 4 इंच की लंबाई में हमने पट्टी कटिंग कर ली है। इसी से हमारी कुर्ती की लंबाई इंक्रीज होगी। अब ये हम शलवार के कपड़े की पट्टी कटिंग करेंगे। 2 पट्टियां फ्रेंड्स हमने 4-4 इंच की कटिंग की हैं और अब एक हम 6 इंच की कटिंग करेंगे। 4 इंच की तो फ्रेंड्स हमारी पट्टी हो जाएगी और 2 इंच में हम अपने दामन को फोल्ड कर लेंगे। 6 इंच की पट्टी हमने कटिंग कर ली है। सारी ही पट्टियों को हम ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए, 4 इंच की पट्टी है हमारी, ये 4 इंच की है और ये 6 इंच की है। फ्रेंड्स, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए, ये हमारे साइड्स का कपड़ा बचा हुआ है, हम इस लेंथ में स्लीव्स की कटिंग करेंगे आगे, क्योंकि हम पट्टी वाला डिजाइन बनाएंगे जिस तरह हमने दामन में बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, 17 इंच की स्लीव्स हो रही है लंबाई में, बाद में हम इसमें पट्टी लगाएंगे। 17 इंच की लंबाई में फ्रेंड्स हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, 4 इंच की लेंथ में हमने प्रिंटेड कपड़े की पट्टी की कटिंग कर ली है। स्लीव्स हमारी कटिंग में 21 इंचज़ है, 21 इंचज़ ज्वाइंट करने के बाद ये 19 इंच हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने तीनों ही पट्टियों को कुर्ती में ज्वाइंट कर लिया है फ्रंट साइड में। देखिए फ्रेंड्स, हमने तीनों ही पट्टियों को जोड़ लिया है और फ्रंट साइड का और बैक साइड का दामन हमारा इक्वल हो गया है लंबाई में। अब हम अपनी कुर्ती को कंप्लीट सिल लेंगे। हमारी लॉन्ग कुर्ती कंप्लीट सिल चुकी है। ये इसका दामन है और ये हमारी कुर्ती का नेक है। नेक पर हमने पट्टी लगाई है और उसके ऊपर 2 बटन मढ़वाकर लगाए हैं और ये इसकी स्लीव्स हैं। आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरी लॉन्ग कुर्ती का डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।